नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्र सरकार के जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं कानूनों के खिलाफ केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार इन विवादास्पद कानूनों को वापस ले जिन्हें जल्दबाजी में संसद द्वारा लागू किया गया है। केरल की पिनाराई विजयन की सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए 1 घंटे के लिए विशेष सत्र बुलाया था। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है। इससे पहले विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने इन कानूनों को वापस लेने की मांग की और कहा ये कानून कॉरपोरेट समर्थक हैं। सीएम विजयन ने कहा यदि किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो केरल बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने कहा यदि कृषि उत्पाद केरल में आना बंद हो जाए तो राज्य में भूखे रहने की नौबत आ सकती है। केरल विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ पास किए गए प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायक ओ राजगोपाल ने पहले तो समर्थन करने का बयान दिया, बाद में इससे मुकर गए। ओ राजगोपाल ने सदन में प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं किया और प्रस्ताव को लेकर विरोध भी किया। सत्र खत्म होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से ये भी कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, मैंने कुछ बिंदुओं के संबंध में अपनी राय रखी, इसको लेकर विचारों में अंतर था जिसे मैं सदन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया। जब राजगोपाल से कहा गया कि वह पार्टी के रुख के खिलाफ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रणाली है और हमें सर्वसम्मति के अनुरूप चलने की जरूरत है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्होंने बयान जारी किया कि उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया है और सदन में जो कहा उस पर काबिज हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं, आंदोलनकारी देर कर रहे हैं। राजस्थान हरियाणा सीमा पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग को आज किसानों ने तोड़ दिया है और दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए तेज पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 20 से 25 ट्रैक्टर बैरिकेड को तोड़कर आगे जाने में कामयाब हुए। बाकी के किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और मांगे पूरी होने तक बैठने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है। सरकार ने बताया है कि 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा। हर प्रदेश की राजधानी में कम से कम 3 जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। कुछ प्रदेशों ने जिलों को भी शामिल किया है जो मुश्किल इलाकों में स्थित हैं। भारत में कुछ दिनों में ही कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। ये इसलिए कि वैक्सीन की मंजूरी के रास्ते अब साफ नजर आने लगे हैं। इसी महीने आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए जिन 3 वैक्सीन के लिए और आंकड़े मांगे गए थे उनमें से 1 वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावनाएं तब बढ़ गई जब ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। इस खबर के बाद एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि गिने चुने दिनों में ही इस वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल सकती है। कई राज्यों ने कोरोना महामारी के चलते न्यू ईयर से पहले भीड़ पर प्रतिबंध और रात में कर्फ्यू लगाने जैसे फैसले किए हैं। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी सार्वजनिक जगह पर कोई सेलिब्रेशन इवेंट या सभा समारोह नहीं हो सकता है। फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक भी यही नियम लागू होगा। मुंबई में भी पुलिस ने कहा है कि अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाने या सार्वजनिक जगह पर अधिकतर 4 लोगों के इकट्ठा होने की ही इजाजत है। बेंगलुरु में 31 दिसंबर की दोपहर से ही भीड़ पर प्रतिबंध का नियम लागू कर दिया गया है। चेन्नई में बीच बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक दलित व्यक्ति ने कथित तौर पर इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि आम के पेड़ से पत्तियां तोड़ने के कारण कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। खबरों के मुताबिक 26 साल के धर्मपाल दिवाकर कथित रूप से इस घटना से बहुत निराश था, जिसके कारण बुधवार को आष्टा गांव में अपने घर में फांसी लगा ली। हालांकि धर्मपाल ने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, पर पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर नूर मोहम्मद और सलमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तीसरे अभियुक्त आशिक अली को ढूंढ रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ऐसा विवादित बयान दिया है कि जिससे राज्य के राजनीतिक माहौल के और हिंसक होने का खतरा बढ़ गया है। घोष ने बंगाल में एक जनसभा में कहा है हिंदू समाज को हथियार उठाने होंगे, अगर कोई कायर निहत्ता कहे तो तुम उसका गला पकड़ लो। घोष ने आगे कहा कि हिंदू समाज कायर नहीं था, हम तलवार बंदूक त्रिशूल से सामना करने वाले हैं। हिंदुओं का कोई भी देवी देवता बिना शस्त्र का नहीं है। घोष इससे पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये कहकर भी धमका चुके हैं कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, पसलियां तोड़ दी जाएंगी और सिर फोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको अस्पताल जाना पड़ जाए, यदि आपने ज्यादा कुछ किया तो आपको शमशान भी जाना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल बढ़ने लगी है। गुरुवार को सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापेमारी मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बाहरी इलाके में बुधवार को पुलिस ने एक एनकाउंटर किया जिसमें पुलिस के मुताबिक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद ही इनके परिवार वालों ने इसे नकली एनकाउंटर बताया है और कहा है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें आतंकवादी बता दिया है। मारे जाने वालों में से एक पुलिस अफसर का बेटा है और 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के होने का दावा किया गया है। ये एनकाउंटर पुलिस और आर्मी ने साथ में किया है। श्रीनगर में यह एनकाउंटर तब हुआ है जब अभी 4 दिन पहले ही आर्मी के कैप्टन और 2 अन्य लोगों पर जुलाई में शोपियां में 3 निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें पाकिस्तानी आतंकी बताने के आरोप में चार्जशीट फाइल की गई है। चीन ने स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ न्यूज़ के मुताबिक ये वैक्सीन 79.34% प्रभावी है। ये सभी चीनी नागरिकों को मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी। चीन सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों, पहले से किसी बीमारी से पीड़ितों को वैक्सीन मुहैया करवाएगा और उसके बाद दूसरे आम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 21,821 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में अब कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा एक दिन में भारत में 299 लोगों की मौत हुई है, जिससे इस बीमारी के कारण देश में मौत का आंकड़ा 1,48,738 हो चुका है। हालांकि पिछले एक दिन में 26,139 लोग ठीक भी हुए हैं, वहीं एक्टिव मामले 2,57,000 से अधिक हैं। नेपाल में जारी सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि वह विरोधी गुट के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ समझौते कर थक चुके हैं। ओली ने विरोधी गुट के नेताओं की निंदा करते हुए कहा कि वे उन्हें पार्टी और सरकार चलाने में सहयोग नहीं करते। बता दें, नेपाल में राजनीतिक संकट तब गहरा गया जब ओली ने 20 दिसंबर को लोकसभा भंग करने का फैसला किया। उनके सुझाव पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उसी दिन लोकसभा भंग कर नए चुनाव का ऐलान कर दिया। चीन के जुंग सानशान भारत के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2020 में सानशान की संपत्ति में $7 अरब की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने भारत के मुकेश अंबानी के अलावा अपने ही देश के जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ऐसा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और बोतल बंद पानी की कंपनी के दम पर किया है। वहीं भारत में मुकेश अंबानी की संपत्ति में भी $18.3 अरब की बढ़ोतरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर $76.9 अरब हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।